तो गाइज लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमने पाइप वगैरह लगा दिए हैं, हम करते हैं अब बाइक का स्विच ऑन। तो आप देख सकते हैं स्विच ऑन जैसे ही हमने बाइक का किया, ये 48 PSI पे पहुंच गया। ये जो गेज है ये लगभग एक्यूरेट ही बताती है, लेकिन इसमें कमी यही है कि 60 PSI तक ही बताती है, इसलिए मैंने आपको मना किया कि आप ये मत खरीदिए। ये दूसरी गेज आती है वो 100 PSI तक बताती है, उसकी 6 महीने की वारंटी भी है, आप वो खरीदिए। तो हमने स्विच को ऑन करने के बाद, आपको पता ही है एक बार मोटर जो है वो घूमती है और उसके बाद जो है मोटर बंद हो जाती है और जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है, जैसे कि 30 PSI पर चला गया। और जैसे ही बाइक के हम किक लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, तो जो प्रेशर है फ्यूल पंप का वो फिर से 48 पर पहुंच जाता है। तो जब हम बाइक के एक्सीलेटर कम करते हैं तब भी ये 48 रहता है, और जब ज़्यादा एक्सीलेटर करते हैं तब भी ये 48 ही रहता है। और यहाँ पर जो है ये चीज़ ध्यान देने वाली है, कुछ भाइयों के मन में ये सवाल भी होगा कि यदि ये 48 PSI है और यदि इससे कम होगा तो कितना कम होगा, जिसकी वजह से बाइक के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो। तो गाइज उसका जवाब मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं टेस्टिंग करके आपको ये दिखाऊंगा कि जो हीरो की बाइक है वो कितना PSI कम होने पर मिसिंग करती है या लोड नहीं लेती या कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम आता है तो कितने PSI पे जाके वो प्रॉब्लम आता है, ताकि कल यदि आपके पास कोई फ्यूल पंप में कोई प्रॉब्लम आए कुछ किसी भी तरह का, तो आप जो है इस तरह से गेज लगा के ये टेस्ट कर सकते हैं हर एक बाइक की कि उसका जो फ्यूल पंप है वो कितने प्रेशर दे रहा है, जितना बाइक को चाहिए उतना दे रहा है या फिर उससे कम दे रहा है। तो वो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा, 40 पे आने पर क्या प्रॉब्लम आता है, 30 PSI पे क्या प्रॉब्लम आता है, 20 PSI पे क्या प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं जल्द ही आपके लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगा। तो इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।